नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के रीवा में फिर दिखा घोर कलयुग का असर। रीवा में रिश्तों का खून होना हुआ आम। मामूली विवाद में भाई ने अपने सगे भाई की इस बेरहमी से पिटाई करवाई कि पांव में रॉड के साथ साथ चार प्लेट भी लगवानी पड़ी। ताजा मामला रीवा सिटी के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत उमरी गांव का है, जहां दयाशंकर तिवारी को उनके सगे भाई संतोष तिवारी ने अपनी बीवी और दो बच्चों के साथ मिलकर इतनी बेरहमी से लाठी डंडे और लात घूसों से पिटाई की कि उनके पांव में गंभीर रूप से फ्रैक्चर निकला। प्राप्त जानकारी के अनुसार विवादित ट्यूबवेल का था, जो कि फरियादी दयाशंकर तिवारी की जमीन पर स्थित है, मगर उनके भाई संतोष तिवारी सरहंगाई पूर्वक उस बोर को अपने कब्जे में लेना चाहते थे। दिनांक 23 नवंबर 2022 को जबरन ट्यूबवेल में बारी लगाने के विषय में दोनों में मामूली विवाद हुआ। संतोष तिवारी अपने पूरे परिवार के साथ दयाशंकर तिवारी को प्रस्तुत करें एवं मारपीट की घटना को अंजाम दिया। हरियादी का इलाज बिछिया हॉस्पिटल में चल रहा है। संबंधित घटना की जानकारी थाना सिटी कोतवाली में दे दी गई और पुलिस ने मुकदमा कायम कर संबंधित घटना को जांच में लिया है और आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। रीवा संभाग ब्यूरो राजीव तिवारी की रिपोर्ट। दयाशंकर तिवारी तिवारी जी, क्या घटना हुई आपके साथ? हम सर बोर में थे, बोर से गए उधर, पटिया रूंद रहे थे, तो मना करने के भाई इसमें पटिया मत रूंदो हमारे जमीन में, तो हमको लाठी लेके दौड़े मारने के लिए। लाठी मैं पकड़ा, इतने में उनके लड़के आके हमसे लपड़वाजे तो मैं मेड़ के नीचे गिर गया, चढ़ बैठे और फिर मारना चालू कर दिए। कितने लोग थे मारपीट? चार लोग थे। नाम बता दीजिए। संतोष तिवारी, रौनक तिवारी, रोशन तिवारी और उनकी बीवी दूसरी जगह से गुहार मार रही थी। अच्छा, जो मुख्य आरोपी हैं कि तिवारी जी के साथ मारपीट हुई है, तो क्या देखा आपने? साक्ष्य है, मुख्य साक्ष्य है। आवाज सुना, आवाज सुन के मैं इधर इनकी आवाज पहचान गया, तो मैं वहां से चल दिया। वहां से चलाते संतोष तिवारी और ये इनको गिरा के, दो बच्चे थे उसके, तो इसको मार रहे थे। तो इतने में मैं पहुंचा, दो तीन आदमी और पहुंचे उधर से, हम लोग छुड़वाई, लोग छुड़वा के इतने में भाग गए। कैसे मार रहे थे? किस डंडे मार रहे थे? दो आदमी इनके ऊपर चढ़े थे, उनके बच्चे, और डंडे से इनको पीट रहे थे। तो विश्वकर्मा है वहाँ पे रामप्रभा, वो डंडा पकड़ के फिर उसको छुड़ाया, इसमें वो लोग सब लोग भाग गए। अच्छा, क्या उद्देश्य था इनका मारपीट का? किस मारपीट का उद्देश्य था? इनके जब इनमें कब्जा कर रहा था, पटिया कर रहा था, ये उसको मना करने गए थे, इसके वजह से वो सरहंगी से इनको अकेला पा के छूच थे, वहाँ पे बनियान पहने थे, और जाते जाते वो धमकी दे के गया कि इस बार बच गया, बचा लिए हैं हम, तुमको भी अब तुमको भी जान से मार देंगे। अच्छा, आपको भी धमकी देंगे? हमको भी धमकी देंगे, तो अब तू बच गया है ना, तू बच गया, बचाने आया है ना, तो तेरे को भी जान से मार देंगे। अच्छा, उनके बच्चे क्या करते हैं जो मारपीट में? वो पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। वो क्या करते हैं जो मारपीट इनके साथ? संतोष तिवारी कर रहे हैं, वो बाजी स्कूल में कहीं चपरासी है, हमको ज्यादा जानकारी नहीं है, वो वहाँ पे ड्यूटी करता है, ये इतनी जानकारी है। अच्छा, इनके पांव में गंभीर चोट है, पांव फ्रैक्चर है, वो तो ठीक है, इनके साथ जो भी मारपीट हुई या जो धमकी दी गई, आपको क्यों धमकी दे रहे थे संतोष तिवारी और उनके परिवार? जो मैं उनके माने बीच बचाव में आ गए, इसके वजह से उसको बुरा लगा होगा कि हमारे पक्ष में नहीं आया, बीच बचाव में आया, हम उसको मार लेते, जान से मार देते, तो जाते जाते ये बोल के गया कि मैं इस बार बच गया है, बचा लिए हैं, इस बार मैं जान से मार दूंगा। तो आपने अपनी ये बात थाने में बताई है, FIR में नोट करवाई है? नहीं, हमसे तो बयान ही नहीं लिया गया पुलिस का, वो हमसे दस्तखत करवा लिए हैं, पुलिस वाले हमसे बयान नहीं लिए हैं।